नमो गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बाजार अपने आप में ही एक बड़ा गुरु है, लेकिन आपकी कई सारी उलझनें बाजार से जुड़ी होंगी और ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य है कि आपकी जितनी भी उलझने हैं उसे सही तौर से सुलझाने की कोशिश हमारी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, निकुंज के निवेश मंत्र। और जब निवेश मंत्रों की बात हो रही हो तो इस देश के नहीं बल्कि इस पूरे इंडस्ट्री के सबसे जिसे कहते हैं ना काबिल एंकर, और मैं बोलूँगा कि अच्छे इन्वेस्टर खुद से भी, वो हमारे साथ हैं। और हम इस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट भी हैं कि वो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, तो हम थोड़ा हक से भी उनसे बात पूछ लेते हैं, गाय बगाए उनसे थोड़ा रोक रोक के भी पूछ लेते हैं, तो चलते फिरते पूछ लेते हैं, आते जाते पूछ लेते हैं। निकुंज बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इससे अच्छा बेहतर दिन नहीं हो सकता था जब हम आपसे इसी मुद्दे पर आपसे वो चीज़ें पूछें जो लोग शायद बचपन से शुरू करें और बुढ़ापे तक वो सारे प्रिंसिपल्स उनके काम आए। तो एक प्रिंसिपल जिसको आप बहुत रिग्रेसली फॉलो करते हैं, शायद लेट झुंझुनवाला से भी आप काफ़ी इंप्रेस रहे होंगे, एक तो भारत को लेकर काफ़ी बुलिश और दूसरा काफ़ी आशावादी हैं आप। तो ये आशावादी स्टोरी, ये आशावादी कंसेप्ट, ये कैसे आया और क्यों है, ये पहला प्रिंसिपल आई थिंक। सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैंने उन लोगों से देखा है, ऑब्जर्व करा है, सीखा है और शायद और भी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन इनोवेशन को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। तो आइए ग्राफ देखते हैं 2001 का। सिर्फ 2001 में जिस साल यूएस के अंदर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, 2008 का ग्राफिक अगर हम देखें तो आपको एकदम दिल दहलाने वाला 2001 का निफ्टी का ग्राफ दिखेगा, शायद वह भी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर ग्राफ और देखते हैं 2008 का। 2008 में शेयर बाजार में क्या हुआ, केवल उस गिरावट को आप देखें तो देखिए एकदम उल्टा चल रहा है ग्राफिक। और 2020 का अगर आप ग्राफ देखें, केवल 2020 का, जी 2020 दो साल पहले हम सब शेयर बाजार में थे, यहीं थे, किस ऑफिस में नहीं थे, कोविड था, तो 2020 का ग्राफ है। अब हम देखते हैं पिछले 15 साल का ग्राफ जिसके अंदर 2008 और 2020 को हम कंबाइन करते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसा दिख रहा है। तो आप कोई भी चीज को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे और एकदम नज़र लगा करके देखेंगे तो आपको ग्राफ अलग लगेगा, मगर आप उसी ग्राफ को लॉन्ग टर्म ट्रेंड से मापते हैं तो वो ग्राफ आपको हमेशा अलग लगेगा। ये नेचर है मार्केट का। अगर आपने पैनिक के समय अपना धैर्य नहीं खोया, आपने शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन पे हमेशा नज़र रखी और शॉर्ट टर्म गेन को अनुभव करा, तो आपका जो रिटर्न है वह एकदम चेंज हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में एकदम दिल दहला देने वाला ग्राफिक जो है लॉन्ग टर्म के अंदर एक ब्लिप कहलाएगा। और शायद यही ब्यूटी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम एक तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन इंडिया, द इकॉनमी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द वे हाउ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, इसके मायने अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। झुंझुनवाला साहब मुझे एक बात कहते थे, बड़ा दुख हो रहा है बोलने के लिए कि कहते थे, थोड़े दिन पहले मैं कह रहा हूँ कहते थे असली गुरु हमारे वही हैं, कि उन्होंने अपनी 95% वेल्थ, 95 से 95% वेल्थ सिर्फ एक कारण से कमाई है, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक। तो शेयर बाजार के अंदर अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको शेयर बाजार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निकुंज, आशावादी बने, पॉजिटिव रहें। मार्केट के नेचर को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन निकुंज खुद के नेचर को कैसे समझा जाए। ट्रेडिंग होता है एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब लोग इसी उलझन में होते हैं कि निवेश करें, ट्रेड करें और इसी में फंस जाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर आपको यह पता होना चाहिए कि आप शेयर बाजार में किस कारण से आए हैं। अगर शेयर बाजार को आप एक कांस्टेंट ट्रेडिंग इनकम का सूत्र बनाना चाहते हैं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए जी, ट्रेडिंग में कुछ नुकसान नहीं, ट्रेडिंग के कायदे अलग होते हैं और इन्वेस्टिंग के कायदे अलग होते हैं, मगर आप शेयर बाजार को में आकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की
और सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म। आप आते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, मगर आप 5 से 10% उछाल उतार चढ़ाव के अंदर आपको आपका जो संयम है वह टूट जाता है। तो शेयर बाजार में एक स्ट्रैटेजी के साथ आए जी, मैं 5 साल के लिए आ रहा हूँ, मैं 5 दिन के लिए आ रहा हूँ, मैं 5 महीने की मेरी निवेश की विंडो या मेरी 5 साल की निवेश की विंडो है। तो जब ये डिफाइन आप कर पाएंगे कि आपका पर्पस ऑफ कमिंग टू द स्टॉक मार्केट क्या है, तो आपकी अप्रोच अलग रहेगी। आप ट्रेडिंग करते हैं आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन देखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम पे जाना है, भाव भगवान छे जिसे हम ट्रेडिंग में अक्सर बोलते हैं। तो अगर मैं मुंबई की सरल भाषा में अगर समझाऊँ, तो अगर एक ट्रेन चर्च गेट टू कांदीवली जा रही है, एक ट्रेडर को बैंड्रा या बैंड्रा में आकर के अंधेरी पे उतरना पड़ेगा। मगर जब इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रेन कुछ समय तक चर्च गेट पे रुकी रहे, हो सकता है 2 दिन तक नहीं चले, मगर जब चलेगी तो आपको पूरी जर्नी अनुभव करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से शेयर मार्केट में आए हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो डिफाइन आप करेंगे तो मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ आपकी अप्रोच शेयर मार्केट के अंदर चेंज हो जाएगी। देखो, जब भी आपने भाव की बात बोली ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाव के साथ साथ भावनाएं भी बाजार के अंदर बहुत होती है। और जब टिपिकली मार्केट के अंदर करेक्शन आता है ना, तो भाव तो टूटते हैं, भावनाएं भी कमज़ोर हो जाती है। तो एक करेक्शन उस समय हमारी भावनाएं होनी कैसे चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक आपने पहले बता दिया मेरे को, जिसका मतलब मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। जब करेक्शन आता है टिपिकली उस समय अपने आप को कैसे समझाएं, कैसे अच्छे शेयर को देखें, उस समय हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस समय? देखिए, लॉस एवर्जन हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। लॉस एवर्जन है कि अगर आपको लॉस लगता है, ट्रेडिंग लॉस हो या पोर्टफोलियो लॉस हो, तो माइंड जो है वो बोलता है गलत हो रहा है। मगर शेयर बाजार के अंदर करेक्शन आते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारा जन्मदिन साल में एक दिन आता है, मगर शेयर के अंदर करेक्शन कई बार आते हैं। ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट एवरी ईयर मूव्स बाय 20-25%। बड़े से बड़े यूएस के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वह साल में 25-35% मूव करते हैं, जो एवरेज वॉलीटिलिटी है। तो हम सबसे बड़ा स्टॉक डालते हैं जो कि राकेश जुनवाला जी का पोस्टर बॉय स्टॉक था, जो 20 साल पहले 35 रुपया था, आज 2500 रुपया है। तो इससे बड़ी वेल्थ जो टाइटन ने क्रिएट करी है शायद काफ़ी कम शेयरों ने क्रिएट करी है। मगर टाइटन की अब 20 साल की हिस्ट्री आप देखेंगे, वो शायद चार्ट हम देख सकते हैं। देखिए, कितनी बार यह स्टॉक 50% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 2008 में 50% से ज़्यादा गिरा था। फिर हमने देखा डिमोनेटाइजेशन के बाद ये 30% गिरा था। फिर कोविड के बाद 30% से ज़्यादा गिरा था। तो अगर आपने टाइटन के अंदर मार्केट को टाइम करने का प्रयत्न करा और आपने सोचा जी एक बड़ा मल्टीबैगर है, एक तरफा जाएगा, नहीं होता है। इक्विटी मार्केट एक तरफ नहीं जाता है, जिंदगी में उम्र ही एक तरफ जाती है मानसी। हालांकि महिलाएं बात नहीं करनी चाहिए, मैं और डिम्पी उम्र की बात कर रहे हैं, तो उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं जाता है। शेयर बाजार जो होता है ईसीजी के ग्राफ के जैसे होता है जी, दिल की धड़कन ऊपर नीचे जरूर जाता है। तो अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर जो हैं वह भी गिरते हैं, और उस समय अगर आप संयम रखेंगे तो आप कामयाब से नहीं, आप एक मालदार निवेशक बनेंगे। तो यह एक मूल मंत्र है कि पैनिक में मत बेचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, करेक्शन आएंगे मगर जब धैर्य रखना चाहिए। लेकिन वैसे तो शेयर बाजार में अपने इमोशंस सेंटिमेंट्स को संभाल कर रखना सबसे बड़ी सीख है। भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस फैक्ट को डाइजेस्ट कैसे किया जाए? देखिए, एक अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब भी कोई चीज, आप गाड़ी खरीदते तो आप पूछते हैं कितना एवरेज देती है। तो आप एंड ऑब्जेक्टिव पे हमेशा फोकस करते हैं। मगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम बात करें, देखिए मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में टारगेट्स और स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी मैं तो शेयर बाजार में इन्वेस्टर हूँ और मैं यहाँ पर दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए हूँ, तो आपको फिर टाइम फ्रेम जो होता है वह अलग हो जाता है। आपके हाथ में क्या है मानसी, आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, आप कब खरीद रहे हैं, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन जिसे हम बोलते हैं, और आप कितने समय के लिए रख सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इंटरेस्ट रेट्स शॉर्ट टर्म में कहाँ हैं, पी मल्टीपल कहाँ हैं, फ्लोस कहाँ हैं, मैक्रो फैक्टर्स कहाँ हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्हीं फैक्टर्स से मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है। अब हम नई कॉन्सेप्ट एक सुन रहे हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, मशीन बेस्ड ट्रेडिंग, इमोशनलेस ट्रेडिंग। तो इन चीज़ों का जो प्रभाव रहता है शॉर्ट टर्म में हमेशा ज़्यादा रहता है, मगर आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अच्छा शेयर लो,
रोज प्राइस मत देखो, लंबी अवधि के लिए रखो और एक डिसेंट कैपिटल एलोकेशन रखो। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, बस समय बताएगा। तो रिटर्न की वजह से शेयर में मत इन्वेस्ट करें, आप अपने प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। आप अगर चाय के अंदर दूध, पानी, चीनी, अच्छी चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालेंगे तो चाय अच्छी बनेगी। आपके हाथ में अच्छी इलायची, अच्छी पानी, अच्छी चाय पत्ती और अदरक है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर में से एक है, आपको बाजार के साथ साथ चाय भी बनाना सिखा देंगे अगर आपको नहीं आती। बाय द वे, गैस भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तो भूल गए थे हम अभी, ये भी ऐड कर दिए। अच्छा निकुंज, मार्केट के अंदर क्या होता है ना, एक फिलॉसफी है, ये होता है कि लोग आते हैं ना मार्केट के अंदर, उनको लगता है कि झटपट पैसे बनाने की तो मशीन है और तुरंत आए और हमको जिस दिन हमने लगाया वहाँ से शेयर गिरे ही नहीं, ये कुछ कुछ ऐसा फिलॉसफी होती है। इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंस होती है धैर्य की या इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की, जरा इसके बारे में बताइए कि एक ये कैसे करा जाए और आप कैसे कैसे अपने आप को इसलिए ढाल दिया जाए। देखिए धैर्य क्यों आता है, पेशेंस आती है बिकॉज आपको भरोसा होता है। भरोसा आपके पास कब आता है, जब आपके पास कोई रणनीति होती है। रणनीति जब आपके पास आती है जब आपके पास समझ होती है। और शेयर बाजार का सबसे बुनियादी जो फॉर्मूला है निवेशक के लिए, अच्छी कंपनियों में निवेश करो, लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, रोज भाव मत देखो और उनको ट्रीट देम लाइक अ बिजनेस, ट्रीट देम लाइक अ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। तो शेयर बाजार में एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि आपने शेयर लिया, हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो नहीं बढ़े। आयशर 2000 से 2008 का जो ग्राफिक आने वाला आप देखिए, तो आयशर का जो रिटर्न था, जी मान से ये अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं। अभी देखिए जो पहली ग्राफिक में है 2005 से 2008 तक आयशर ने डिम्पी जी कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, मगर उसे अगले 10 साल में वो एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टीबैगर हो गया। अननोन कंपनी बिकेम अ निफ्टी 50 कंपनी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए आरी तो उन्होंने नहीं चालू नहीं करी, मगर उस समय अचानक मार्केट के अंदर एक आरी को लेकर के क्रेज आ गया, एक प्रकार का माहौल आ गया, एक प्रकार का ऐसा पैटर्न चेंज हुआ कि वो स्टॉक डीरेट हो गया। तो आपने अगर 10 साल 5-7 साल तक आयशर रखा तो आपको रिटर्न नहीं मिला, मगर आपने अगर पेशेंस रखी तो आपको उसी आयशर शेयर के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न आ गया। तो शेयर कब चलने वाला है वो बोलना बहुत मुश्किल है, मगर कंपनी अच्छी है, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ है तो एक दिन कोई ना कोई पार्की आकर के उसको जरूर बढ़ाते जरूर। और ये इसलिए होता है डिम्पी बिकॉज मार्केट के अंदर एक स्टाइल होता है, कभी डिविडेंड इन्वेस्टिंग चलती है। एक समय था जब TMT स्टॉक चल रहे थे, HUL कहीं नहीं जा रहा था। एक समय आया जब HUL और ब्रिटानिया जैसे शेयर चल रहे थे, बैंक्स कहीं नहीं जा रहे थे। अभी हम देख रहे हैं सारे IT स्टॉक्स नीचे हैं, फाइनेंशियल्स ऊपर चल रहे हैं। तो मार्केट का जो चक्र होता है वो आपको पता नहीं अगला चक्र क्या आने वाला है, मगर अगर आपने अच्छी कंपनी में लंबे समय तक निवेश कराए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक पारखी आकर के उसको वैल्यू करेगा। बिल्कुल, और हर लिहाज से जहाँ फंडामेंटल्स मजबूत है, मजबूत पेरेंटेज है, अगर उन कंपनी को चुना जाए तो ये तो अच्छी कंपनी की बात हुई निकुंज, लेकिन सस्ती कंपनी में लोग पड़ जाते हैं। सस्ता है तो अच्छा है और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, तो इस गलती से कैसे निपटा जाए? ये मैंने अपने करियर में अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं जी हमें 2-digit स्टॉक बताइए या हमें 1-digit स्टॉक बताइए। अगर आप 4,000 रुपये का कोई स्टॉक लेते हैं तो उसके अंदर 10% उछाल 400 रुपये मिलेगा, मगर आप अगर एक 20 रुपये का स्टॉक लेते हैं तो एक अच्छा 10% उछाल उसमें आता है तो 2 रुपये मिलेगा। तो साइकोलॉजिकली ये हमेशा लगता है कि जो सस्ती कंपनी होती है उसमें चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर हायर। तो मैं दो एग्जांपल देता हूँ HUL। अब HUL के अंदर एक समय आया था जो अक्सर हम कोट करते हैं, जो 1990s के अंदर HUL ने रिटर्न नहीं दिया, महंगा शेयर था, मगर उसके आने वाले दशक में HUL ने बहुत पैसा बना। तो महंगा था, उस नियर टर्म में रिटर्न उसने नहीं दिया, मगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी वेल्थ उसने क्रिएट करी। उसी प्रकार आपने अगर कोई सस्ता शेयर JP एसोसिएट्स टाइप देखा, मैं JP एसोसिएट्स के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, मगर हमें पता है कि इसमें कंसर्न्स क्या हैं, डेट रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, तो उसके अंदर वेल्थ नहीं बना। हालांकि वो सस्ता था और सस्ता हो गया और सस्ता और ज़्यादा सस्ता हो गया। तो सस्ते के चक्कर में मत रहिए, कोई कारणवश से ही कंपनी सस्ती ट्रेड करती है, या तो उसमें फंडामेंटल कंसर्न्स होते हैं, बिजनेस कंसर्न्स होती हैं, या प्रमोटर कंसर्न्स होते हैं, या फिर डेट के कंसर्न्स होते हैं। तो सस्ता अच्छा नहीं है, मगर महंगा हो सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाए मगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा। ये पुरानी कहावत भी है मार्केट के अंदर कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो महंगा वाला क्या होता है, एक बार तो ले लेता है, उसको लगता है हाय 4,000 रुपए का शेयर आ गया, मैं 400 वाला ले लेता तो शायद ज्यादा आ जाते, है ना। सस्ता रोए बार बार,
क्योंकि आप बार बार फंस जाते हैं, बार बार फंसते हैं। महंगा जब रोता है, जब अच्छा शेयर आप लेते हैं तो उसमें आपको केवल वैल्यूएशन का नुकसान है, बिजनेस का नुकसान नहीं। आप बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, उनमें आप कोई बड़ी FMCG कंपनी या आप कोई बड़ी कंज्यूमर स्टेबल्स कंपनी की बात करते हैं तो उनके अंदर बिजनेस रिस्क नहीं है, वैल्यूएशन रिस्क। तो आपको एक बार रोना पड़ेगा। मगर सस्ती कंपनियों में जो स्पेशली 2 digit और सिंगल डिजिट स्टॉक होते हैं, उनके अंदर बिजनेस रिस्क है, तो आप हर बार रो सकते हैं, बार बार नहीं रोएंगे। बिल्कुल। देखो जी, इसी पे ही एक और क्वेश्चन है। मार्केट में ना एक ये हिस्सा भी चलता है कि आप शेयर के अभी भाव के पास तो देखो ही, बट उसका बिजनेस भी देखो, क्योंकि एक ना एक दिन कैचअप ज़रूर होगा। मान लीजिए आज शेयर अंडर वैल्यूड है, जिसको हम टिपिकली बोलते हैं अंडर वैल्यूड, तो बिज़नेस की इम्पोर्टेंस और भाव की इम्पोर्टेंस क्या ये एक साथ प्राइस में आ रही होती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमको बिज़नेस को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, भाव धीरे धीरे आ ही जाएंगे ऊपर, जैसे भी आप आईशर का एग्जाम्पल बता रहे थे। देखिए, मार्केट प्राइस जो होती है बड़ा बुनियादी है, बहुत ही बुनियादी चीज़ मैं बताता हूँ। प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ EPS एंड PE, परसेप्शन है और ग्रोथ है। तो कोई स्टॉक के अंदर अगर दोनों मिल जाए, ग्रोथ भी है और परसेप्शन भी है, तो वो मल्टीबैगर होता है। जैसा हमने बजाज फाइनेंस में देखा, ग्रोथ भी थी और परसेप्शन भी चेंज हो गया। आज बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की नहीं, ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव NBFC स्टॉक्स है, और ग्रोथ भी है। तो एक बड़ा पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है। मगर एक बुनियादी तरीका है बिजनेस, और मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लो इसमें नहीं जा रहा हूँ। एक बुनियादी सवाल, एक बुनियादी थॉट हर निवेशक को अपने माइंड में लेनी चाहिए कि भाई आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, बफेट साहब कहते हैं कि आने वाले 5 साल में अगर शेयर बाजार बंद हो जाए तो क्या वह कंपनी का अस्तित्व रहेगा। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आपके बिजनेस, आपके लाइफ में रेलेवेंट रहेंगी। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, STDPCO का बिजनेस है। आज से 20 साल पहले हम लाइन लगाते थे कॉलेज के बाहर, शायद मानसी के समय तो मोबाइल फोन था, मैं और डिम्पी लाइन लगाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। मगर आज उस बिजनेस का रेलेवेंस खत्म हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रेडीमेड गारमेंट वर्सेज टेलर मेड दर्जी के गारमेंट, तो वो जो बिजनेस है उसका रेलेवेंस हम देख रहे हैं डे बाय डे कम हो रहा। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में उस प्रोडक्ट का रेलेवेंस रहेगा, उस बिजनेस का रेलेवेंस रहेगा, और वह कंज्यूमर का, कस्टमर का माइंड शेयर सेटिस्फाई कर पाएंगी। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हमेशा ज़्यादा रहें। देखिए, शेयर बाज़ार के अंदर एक नंबर पर बहुत कम चीज़ें रहती हैं, हमेशा चर्न होती रहती है, बहुत कम अच्छी कंपनियाँ होती हैं जो एक नंबर में बनी रहे। शायद इसीलिए 1990 का निफ्टी और 2000 का निफ्टी और 2020 का निफ्टी, उसमें कंपोनेंट्स अलग अलग हैं और 2030 में अलग बनेंगे। तो आपको ये समझना है बड़ा बुनियादी तरीके में, जो जिस कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट अगले 5 साल चलेगा, क्या वो कंपनी ग्रो करेगी, क्या वो बिना और कम डेट से ग्रो कर सकती है, और क्या वह बिजनेस आने वाले समय में रेलेवेंट रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने बताई कि कोई भी बिजनेस जिसमें आप या फिर किसी भी कंपनी में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, उसके प्रोडक्ट को समझे, और फिर अगर आपका मन मान रहा है कि ये फ्यूचर में भी चलेगा तब फिर उसमें निवेश का नजरिया बनाए। लेकिन निवेश से जुड़े या शेयर बाजार में उतरने के लिए अंधाधुंध लोग कभी एंट्री कर लेते हैं, ये एक बड़ी गलती करते हैं। निवेश से जुड़े जो खर्च हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे एक्सपेंसेस हैं, इनके मायने समझे बिना एंट्री करने के बारे में सोचते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेलिंग है इनमें पढ़ते नहीं है, ये भी एक बड़ी गलती कर लेते हैं लोग। देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा उसी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट करते हैं, एक तो टैक्स के चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन हिंदुस्तान में बड़ी क्लियर है, तो शॉर्ट टर्म टैक्स कम है, ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कम है। मगर आप एक ब्रोकरेज देते हैं, और जो ब्रोकरेज है वह एक प्रकार का टोल टैक्स है। तो आप इमेजिन करिए, आप एक टोल रोड पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, जितनी बार आप जाएंगे, अब तो फास्ट टैग लगने लगा है, मगर पहले पॉकेट से निकाल करके पैसे देने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाता है, पता नहीं लगता, मगर एक टोल दे रहे हैं। तो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लाइक अ टोल, एंड वो टोल आप उबर में ले रहे हैं तो आपके उबर राइड में टोल हमेशा बाद में ऐड हो जाता है, तो उस प्रकार का टोल ऐड हो रहा है। और शायद हम इस बात को है ना नज़रअंदाज करते हैं। आप अगर, मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, आप अगर किसी भी आप अगर 2% देते हैं
हर साल कोई भी स्टॉक में 2% अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हैं, 10 साल के अंदर आप 20% के आसपास ट्रांजैक्शन कॉस्ट देंगे। मगर आपने एक बार 2% दिया या 1% दिया, जो भी ब्रोकरेज आप देते हैं, तो सोचिए आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। तो ये बात हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं जी 100 रुपये में लेके 110 रुपये में लिया, 5000 शेयर लिए, 50000 रुपये आ गया। मगर आप 5 बार वो एक्टिविटी करेंगे, भले ही आप राइट जा रहे हो, मगर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको एक ये अननोन फैक्टर है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इग्नोर नहीं करिए इसको। नहीं, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, बट होती बहुत काम की, जैसे अभी आप बता रहे हैं। लीकेज बोलते हैं इसको हम अक्सर हाँ। बोलते हैं कि अगर आपने बड़ी शिप के अंदर छोटा सा लीक भी कर दिया ना, तो एक ना दिन शिप डूब जाती है। शेयर बाजार के अंदर आप जितना खर्चा बचा सकते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बचाइए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाइए। ये बेहतर बात आपने बताया। एक सुलझे हुए निवेशक की पहली पहचान भी होती है, क्योंकि निकुंज आपके साथ एक सुलझा हुआ निवेशक भी आपके अंदर है और आप मैनेजिंग एडिटर भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो खबर वाला हिस्सा भी मैं ज़रा आपसे पता करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि खबर आती है या खबर पीछे पीछे ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन भाव और न्यूज़ और पूरा सेंटमेंट मैच नहीं कर रहा होता। ये रेयर होता है। फ़ोन कब खरीदा था सर? अभी लेटेस्ट लिया तो 4 महीने पहले, और उससे पहले 3-4 साल एक फ़ोन चलाया। तो आपने जब फ़ोन लिया, तो ये फ़ोन कौन सा आपका बताएं? ये ओप्पो का, इस समय ओप्पो का। तो आपने जाने से पहले कम से कम 3 या 4 वेबसाइट्स में स्टडी करा होगा? कम से कम 10 वेबसाइट। देखिए मानसी, आपने कितनी वेबसाइट स्टडी करी थी? मैंने भी कम से कम 5 वेबसाइट स्टडी करी थी। फिर आपने देखा होगा सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, क्रेडिट कार्ड की स्कीम कौन सी अच्छी है। पर मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को, कि आप एक फ़ोन लेने से पहले इतनी रिसर्च करते हैं, तो शेयर लेने से पहले आप रिसर्च क्यों नहीं करते? अ टिप इन अ लिफ्ट कैन नॉट बी मेकिंग मनी। राकेश जी क्या बोलते थे, दैट टिप्स आर ऑलवेज हजार्ड्स टू हेल्थ। देखिए टिप में कोई नुकसान नहीं है, दूसरे अनभी यू नो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स से सीखना अच्छी बात है, मगर उनका जो टाइम फ्रेम है, व्यू है, उनकी जो कन्विक्शन है, शायद वो आपकी कन्विक्शन से मैच नहीं करे, आपका टाइम फ्रेम मैच नहीं करे। तो जब आप एक मोबाइल फ़ोन लेने से पहले इतनी आप रिसर्च करते हैं, तो शेयर बाज़ार में चलती हुई खबर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, खुसफुस किसी ने बताया हो या गॉसिप हो, उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि एक ग्राफिक है कि अच्छी खबर और अच्छे भाव कभी साथ नहीं आते। हाँ। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट लाइन है और मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस डज नॉट कम टुगेदर। देखिए जी, शेयर बाज़ार के अंदर जब न्यूज़ ख़राब होगी तभी तो सेल लगेगी। हमारा काम एज ए इन्वेस्टर ये है, या सबका काम है, कि भाई हमें फ्लिपकार्ट सेल का वेट करना है। और फ्लिपकार्ट सेल जब आएगी, जब शेयर बाज़ार के अंदर डर होगा, जब शेयर बाज़ार के अंदर न्यूज़ ख़राब होगी। अभी आपने देखा कि कितनी ख़राब खबर आई थी, इन्फ्लेशन, वॉर, यूक्रेन के तनाव, महंगाई, तो खबर ख़राब थी, मगर क्या हुआ, निफ्टी आपको 15,000 के आसपास मिला, 15,800 आपको मिला, मिड कैप स्टॉक्स आपको नीचे मिले। 2008 में खबर ख़राब थी, भाव अच्छे थे। 2020 में कोविड की खबर ख़राब थी, मगर भाव अच्छे थे। तो इन मार्केट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस डज नॉट कम टुगेदर। मार्केट के अंदर जो रेंज रहती है, सोना सोने के भाव पे ट्रेड करता है, मगर सोना चांदी के भाव में जब आता है, जब खबर ख़राब होती है, वो ख़राब खबर जब आती है, उसका अपने बेनिफिट करें, उसको अपने पक्ष में यूटिलाइज करें, बिकॉज जब भाव अच्छा होगा खबर खराब होगी, जब खबर अच्छी होगी भाव खराब होगा। सो गुड न्यूज़ एंड गुड प्रेस डजंट गो हैंड इन हैंड। लेकिन जब कोई खराब खबर आती है या कोई डरावनी खबर आती है, जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट से भी आ सकती है, तब डर का माहौल फैल जाता है। और इस डर के माहौल में लोग कई कयास लगाते हैं, कई अजम्पशंस लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो डर से किस तरह से जूझें, या डर की सिचुएशन में भी मार्केट में डटे कैसे रहें? मानसी देखिए, ये बफेट साहब की लाइन है, हम गुरु मंत्र की बात करें तो सबसे बड़े गुरु राकेश जी, बफेट साहब, निमिष भाई, बहुत लोग हैं। तो बफेट साहब की एक बड़ी एक मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट कोट जो है, बाय फियर एंड सेल ग्रीड। हम हिंदी में बोल सकते हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे तो फियर आप जब लेंगे तो तब आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, जब आप ग्रीड में लेंगे आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट शायद एक मार्केट है जहाँ पर जब नीचे जाता है प्राइस, डिमांड कम हो जाती है, ऊपर जाता है डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो उल्टा होना चाहिए ना जी? बिल्कुल। आज जब सेल लगती है तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए उस समय। तो शेयर बाज़ार में क्या होता है, तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें फेयर हो जाता है, तो हम डिमांड कर ही नहीं पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम डर जाते हैं। डर जाते। और शायद शेयर बाज़ार इसीलिए एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव नहीं है,
कि ये ग्रोथ है, ये अर्निंग्स आएगी. बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम जो आज ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमने जो फैक्टर्स डिस्क्लोज करे, हमने नंबर्स की बात नहीं करी, अपने टूल्स की बात नहीं करी, हमने सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी को एड्रेस करा है. मार्केट साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि बाय फेयर, जब एक मैं फेवरेट लाइन बोल रहा बताता हूँ कि जब सोना चांदी के भाव में मिलता है तो हमेशा लेना चाहिए, और जब सोना डायमंड के भाव पर जाता है, हीरो के भाव पर जाता है, जब बेचना चाहिए. बोलना बहुत आसान है क्योंकि तेजी में आपको और तेजी लगती है, मंदी में और मंदी लगती है, मगर यहाँ ठहराव लाएंगे. वही जो हमने चार्ट दिखाए थे, आयशर मोटर 2000 पिछले 15 साल का निफ्टी का चार्ट, टाइटन का चार्ट, एशियन पेंट्स, अच्छे बिजनेस जब सस्ते मिलते हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म पिक्चर पे बेट करना चाहिए. मेरे को लगता है 2022 का ये आज 5 सितंबर ऐतिहासिक रहेगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आपकी पूरी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए एक साथ मिल जाएं. और निकुंज की एक बात तो बिल्कुल मैंने तो गांठ बांध ली, याद रखती है कि जब सोने वाली चीज़ आपको चांदी के भाव मिले तो तुरंत आ जाओ, और सोने वाली चीज जब डायमंड के भाव हो जाए तो तुरंत बेच दो. लेकिन इससे शेयर प्राइस जब डायमंड के भाव हो जाए मानसी, ठीक है ना, तब आप इसको बेचना है. तो निकुंज के गुरु मंत्र या निकुंज के निवेश मंत्र आपके बेहद बेहद काम आएंगे. एक और चीज, एक ऐसी चीज है जिसको आप लेगेसी के तौर पर बच्चों को दे सकते हैं, बांटिए, जितना बांटिए उतना फायदा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल इस